नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हर दिन खबरों की बात करनी मुझे भी अच्छी नहीं लगती, शायद से आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। खबरों की बात, स्टोरी की बात, क्राइम की बात, राजनीति की बात, कभी उद्धव ठाकरे तो कभी एकनाथ शिंदे, कभी काली की मेकर की बात, तमाम सारी खबरें आजकल चल रही हैं। श्रीलंका की बात, आप कहेंगे कि खबरों की बात तो मैं किए ही जा रही हूँ और कह रही हूँ कि खबर की बात नहीं, लेकिन आज थोड़ी सी खबर से हट के बात कर रही हूँ। दोस्तों, जब भी मैं अमृता प्रीतम जी के बारे में बात करती हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि जब मैं अमृता जी के बारे में बात करती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक बहुत मुश्किल सा जंगल है, जहाँ बहुत सारा अंधेरा है, जहाँ बहुत सारे उदासियों के पेड़ लगे हुए हैं, जिन पे जो फल हैं वो बहुत वर्जित फल लगे हुए हैं। उस जंगल में से गुजरना होता है जब मैं अमृता जी को पढ़ती हूँ। आज एक बहुत छोटी सी कविता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर ये कविता, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइक का बटन दबाने में, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरी बातों पे गौर कर रहा है। तो मैं बात करती हूँ आज अमृता जी की, एक कविता है पहचान। दरअसल जब वो कुछ लिखती थी तो उनके जहन में ईश्वर भी होता था और उनकी उदासियां भी होती थी, उनके प्यार भी होते थे उसमें और उनके उदास लम्हे भी होते थे। बात को मैं बहुत ज्यादा खींचूंगी नहीं, लंबा नहीं करूंगी। पहचान, तुम जब मिले, ये वो बात कह रही है अपनी, तुम जब मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तिष्क में कई काल पलट गए। अब ये जो लाइनें हैं, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें वो दो कदम आगे भी बढ़ रही हैं, चार कदम पीछे भी आ रही हैं, एक कंफ्यूजन है उनके दिमाग में। तुम जब मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज में धड़के, तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। अब वो अपने आप से बात कर रही हैं। एक गुफा हुआ करती थी जहां मैं थी और एक योगी, योगी ने जब बाजू में लेकर के मेरी सांसों को छुआ, तब खुदा कसम यही महक थी उसके होठों से आई थी। ये कैसी माया, कैसी लीला, ये कैसी माया, कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वो योगी थे या वो योगी है। पूरी कविता में ढेर सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी तभी होता है जब कोई बात होती है।
और यादें भी होती तभी होती हैं जब कोई होता है जिससे यादें जुड़ी होती है। तो वो कह रही हैं कि अल्लाह कसम, खुदा कसम, ये महक थी जो उसके होठों से आई थी, ये कैसी माया, ये कैसी लीला। उस प्यार को, उस भाव को, उस वक्त को वो बयां कर रही हैं जिसे वो समझ ही नहीं पाती, ये कैसी माया, ये कैसी लीला कि शायद तुम ही कभी वह जोगी थे या वही जोगी है। क्या कहूँ मैं भी इस पूरी कविता को पढ़ते हुए, इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रही हूँ कि सीधी बात लिखना और अपने मन की बात लिखना थोड़ा सा कठिन काम होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि अमृता जी ने अपने बारे में कुछ भी छिपाया है, उन्होंने अपने बारे में सब कुछ साफ साफ रसीदी टिकट में लिखा है। और मैं आपसे गुजारिश भी करूँगी कि आप रसीदी टिकट ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन ये जो मैं कविता आपसे शेयर कर रही हूँ, तुम मिले तो कई जन्म मेरी नब्ज़ में धड़के, मतलब ये जो उनका फील है अपने प्यार के लिए, शायद से वो इस प्यार के लिए जन्मों जन्मों से तड़प रही थी। तो मेरी सांसों ने तुम्हारी सांसों का घूंट पिया, तब मस्तक में कई काल पलट गए। मैं फिर पहुंच गई हूँ वहीं, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो हमें क्या समझा के गई हैं इस कविता के ज़रिए। जो रिलेशनशिप होती है वो ऐसे ही नहीं होती, उसको भी भगवान ने गूंथ के, बना के, एक माला में पिरो के भेजा होता है। बस उसका वक्त आता है और वो रिलेशन आपके सामने होता है। ठीक यही स्थिति उस समय अमिता जी की भी रही। एक गुफा हुआ करती थी जहाँ मैं थी और एक योगी। अब ये उनकी कल्पना हो गई, क्योंकि वो उस प्यार के लिए इतना तड़पी कि वो जो उनका प्यार था, जो उनकी रिलेशनशिप थी, वो आखिर में ऐसी हो जाती है जैसे कि हम अपने ईश से मिल जाते हैं और उसके बाद फिर कोई तमन्ना नहीं रहती। इसीलिए उन्होंने इस कविता की आखिरी लाइनों में कहा है कि शायद तुम ही कभी वो जोगी थे या वही जोगी है। एंड ऑफ द डे वो ये मान लेती हैं कि तुम वही हो जिसका मुझे इंतज़ार था। दोस्तों, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ये बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं कुछ अलग हट करके आपसे बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शुक्रिया।